कौन सा लेक्चर है स्टूडेंट? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन रहेगा या रिटार्डेशन रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो ब्लॉक नहीं रुकेगा, करेक्ट? अगर एक्सेलरेटेड रहेगा मतलब स्पीड बढ़ते चला जाएगा, तो क्या ब्लॉक रुकेगा? नहीं रुकेगा। और रिटार्डेशन रहेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट होगा, तो ब्लॉक रुक जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? मैंने तो ऊपर से प्रोजेक्ट कर दिया, राइट? तो अगर किसी चीज़ को ऊपर से अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो एंगल ऑफ रिपोज एंगल से बड़ा भी रहेगा तब भी आना पड़ेगा। अब हाँ ना कुछ बोलिए, क्योंकि सर ये ऊपर खुद से नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर फेंकेंगे तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा समझ रहे बात, राइट? तो कैसे चेक कीजिएगा नीलम शर्मा? जो कोई बात नहीं है, किसी से पूछो जो भी आपको आइडिया लगता है। सर एक काम पहले करेंगे कि पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे हम लोग पहले मानते थे आएगा तो पक्का, राइट? तो हम लोग सपोज करेंगे कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वो सोच कर निकाल लेंगे। और वैल्यू अगर निगेटिव आ गया मतलब इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, करेक्ट? तो उस केस में क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। और जब रिटार्डेशन होगा तो एक मेरा क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ब्लॉक बिफोर अ स्टॉप, राइट? या हाउ मच टाइम टेकन बाय ब्लॉक व्हेन इट कम्स इनटू रेस्ट। लेकिन अगर रिटार्डेशन नहीं हुआ तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन का मतलब रहेगा? तो फिर क्वेश्चन का मतलब रहेगा कि ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, करेक्ट है ना? समझ में आ गया? अब तो सर हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो इतना टाइम तो किल हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ डैम श्योर, अगर थीटा आर ग्रेटर देन थीटा है तो अगर ये रेस्ट में रहता तो आता। अगर थीटा ग्रेटर थीटा आर ग्रेटर थीटा रहता और अगर ये रेस्ट में रहता तो नीचे खुद से आता क्या? नहीं आता। तो खुद से नहीं आता इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरफ का एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, एफ एस मैक्स तक नहीं पहुँचा है। लेकिन हम लोग क्या किया कि यहाँ पे एफ एस न देकर एफ के कर दिए हैं, प्रोजेक्ट कर दिए हैं, राइट? तो इस केस में एक्चुअल में पहले से ही मुझे पता है, लेकिन ये आप लोग को चेक करने के लिए बोल रहे हैं, पहले से मुझे पता है कि थीटा आर यहाँ पे 0.6 है और टैन थीटा है 0.56, हाँ या ना, करेक्ट? टैन 30 1/√3, तो यहाँ पे थीटा आर ग्रेटर थीटा हो गया है,
तो डैम्स श्योर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का साइन निगेटिव रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि प्रॉब्लम के थ्रू थ्योरी बताते रहूँगा, करेक्ट। तो पहले ये तो हो गया कि मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं एज ए टीचर इसको देख लिया, बट आप एक बार मान के चलिए कि लेट एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है और तब ए का वैल्यू निकालिए, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा भाई, अब स्लाइड कर रहा है ना, आपने स्लाइड करवा दिया फोर्सफुली, राइट। तो एफ के लगेगा, और सारे फोर्स का कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो क्या लिखेगा, क्या मैंने सही लिखा, करेक्ट। अब कंपोनेंट बार बार तोड़ने के लिए नहीं बताते रहूँगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स, इसका मोशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। तो क्या वहाँ से हम लोग एन इक्वल टू डायरेक्टली एम जी कॉस 30 लिख दें, यही आएगा, एन का वैल्यू कितना आएगा, एम जी कॉस 30, करेक्ट है ना। तो ए का वैल्यू जी कॉमन ले लीजिए, इसको ओवरऑल वैल्यू देखिए तो ब्रैकेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही है, इसको बाद में थ्योरी बना लेंगे, करेक्ट है ना। किस टाइप का सिचुएशन के लिए, उस टाइप के सिचुएशन के लिए थ्योरी बना लेंगे जब ऊपर से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेज के इंक्लाइन प्लेन से, और थीटा और ग्रेटर देन थीटा रहेगा तो डैम्स और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगा। तो अगर कोई भी ब्लॉक नीचे आएगा तो उसके वो रिटार्डेशन का फेज रहेगा, एग्री। ये सब जो पॉइंट बोलते हैं ना उसको नोट करते रहिएगा, ये आपके लिए एक थ्योरी बन गया है, करेक्ट है ना। क्योंकि आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के बाद, बट अगर मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके रखा हूँ आपके लिए तो उसको फ़ायदा उठाइए, कम टाइम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो ए का वैल्यू एग्जैक्टली, अब ए का वैल्यू कितना है न्यूमेरिकली एकदम कैलकुलेट करके, सही सही। ऑनलाइन के बच्चे कम से कम आप लोग कैलकुलेशन फास्ट रहिएगा, आप लोग घर पे हैं, माइनस 0.1 एक स्टूडेंट बोल रहे हैं माइनस 0.2, आप बोल रहे 0.1 1.732 ऑलमोस्ट माइनस 0.2, राइट। जब एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो क्यों आप अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, जब नहीं पता रहेगा तो देखेंगे।
मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो थोड़ा सा ही तो मैं मुझे मेहनत लगा, राइट। आप 0.1 बोल रहे हैं, आए हैं 0.19 है, थोड़ा का डिफरेंस है। देन मैंने जानबूझ के क्यों काम कम काम करेंगे भाई, अगर इस एक करने से मेरा कैलकुलेशन पावर फास्ट हो रहा है तो और ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे। तो बोलिए, एक का साइन नेगेटिव होने का मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव। तो पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन की तरफ है ऊपर है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग ही एग्जामिनर बन गए। अब हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, या हाउ मच टाइम टेकन बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू। अब दो क्वेश्चन बना लीजिए, हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। And also find out time taken by block when block comes into rest। देखिए ड्रॉपर बच के बच्चे अब 400 प्लस और 500 प्लस नीट में लाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग और उनका भी पार्ट टेस्ट ही चल रहा है और मुझे लगता है कि आपके अंदर उनसे ज़्यादा टैलेंट है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, राइट। तो अब आपको भी स्कोर करना पड़ेगा, इसलिए मैम वगैरह का नोट्स और एनसीईआरटी बायो में दोनों एक एक लाइन देख के आइएगा। और आपके पास अगर मैम्स का नोट नहीं है तो मुझसे ले लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। लेकिन लाइन बाई लाइन देख कर आना है, मतलब मार्क्स मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अगला टेस्ट में आ जाएगा, अब तो 4 टेस्ट हो गया ना भाई, अब तो मार्क्स उठना पड़ेगा, इसलिए किसी भी तरीके से मार्क्स आना पड़ेगा। चलिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया जाए। जनरली ये मेरा हैबिट है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेता हूँ, उससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। तो उस केस में यू एक्स कितना, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्स कितना ले, मेरा एक्सेलरेशन है अलोंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन की तरह है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, करेक्ट है। और तब यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू ब्लॉक डैम्स, और पक्का रुकेगा ही रुकेगा, राइट। ए जीरो हो गया 10 और माइनस 0.2 इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। आफ्टर 5 मोटा मोटी आफ्टर 5 सेकेंड ब्लॉक्स कम्स इनटू रेस्ट। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सर आप डिस्टेंस बोल रहे हैं, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बोलिए बोलिए, ओ 50 सेकेंड, करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यहाँ तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो पार्टिकल या ब्लॉक जब तक अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, और अगर लीनियर मोशन है, कौन सा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस बना हुआ रहता है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे वी एक्स, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालने के लिए अगर टाइम निकाल लिए तो डेल्टा एक्स निकालने, डेल्टा एक्स तीन फार्मूला में डेल्टा एक्स दो जगह आता है, पता है आप लोग को, तो इसको लगा दीजिएगा तब भी वही आंसर आएगा। सही है ना, मतलब इतना फास्ट कैलकुलेशन होना पड़ेगा आपका। तो यहाँ पे एस क्या रहेगा, सही है कैलकुलेशन। चलिए
तो इस प्रॉब्लम से देखिए, यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में ले रहा हूँ कुछ आपको सिखाने के लिए। इस प्रॉब्लम से आप लोगों ने क्या सीखा? सर, इस टाइप का प्रॉब्लम जिसमें ऊपर से किसी ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉक रुकेगा या नहीं रुकेगा, मतलब रिटार्डेशन रहेगा या एक्सेलरेटेड रहेगा, वो सीखे। करेक्ट, ब्लॉक तो पक्का कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम से कंक्लूजन ये हुआ, एक थ्योरी इसको बना लेते हैं, बॉक्स बना के एक थ्योरी बना लीजिए, ठीक है। अगर इस टाइप का सिचुएशन में अगर ब्लॉक को ऊपर से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और अगर थीटा लेस देन थीटा आर है, देन दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। लेकिन उसको प्रोजेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एमजी और फ्रिक्शन लग रहा है और एन लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट भी कर दिया और खींच भी रहे हैं, तब तो अलग कहानी हो जाएगा। करेक्ट, ये समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एचसीबी में मिलेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि क्या करना है। फिर से बोलिए। नहीं होता, वजह क्या रहता स्टूडेंट? यहाँ देखिए, यहाँ पे डोनाल्ड का क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे ये ना देकर, ये वेलोसिटी ना देकर ऐसे कर देते, कोई फोर्स देते, तब क्या एक्सेलरेशन रहता है या रिटार्डेशन रहता? तो उसका आंसर मेरे पास ए है, और थीटा आर ग्रेटर देन थीटा रहता, तब यहाँ पे सिचुएशन हो गया कि अब ए आएगा या नहीं आएगा, आएगा या? तो भाई यहाँ पे एम जी साइन 30, क्या मैंने सही लिखा? पहले तो ये डिसाइड कर लेंगे ना कि आएगा या नहीं आएगा। तो पहले एफ एस मैक्स तक जाते हैं, करेक्ट। और यहाँ देखिए आई एफ के ही मान लीजिए, एफ के का वैल्यू कितना? म्यू एम जी कॉस 30 कॉस थीटा। अगर यार यहाँ पे इनिशियली सोच लीजिए नहीं था, तो इस केस के लिए ए वैल्यू बड़ा रहेगा, इस केस के लिए ए वैल्यू क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो मान लेते हैं कि म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, आपने ए वैल्यू निकाला और ए वैल्यू मिल गया -5, मतलब ए वैल्यू बड़ा है, ए वैल्यू छोटा है, सपोज कीजिए। हो सकता है ऐसा, ऐसा ही है यहाँ पे, आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो अगर आप फोर्स का वैल्यू 4 N लगाते हैं, तब भी ये नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, करेक्ट। लेकिन 6 N लगा देते हैं देन, तो ये इसके सपोर्ट में 6 N हो गया ना, तो 1 N ज़्यादा हो गया डाउन द प्लेन, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड हो जाएगा, करेक्ट। इसे वहाँ जो बताए हैं वो किसके लिए है? व्हेन जस्ट ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड डाउन अलोंग द इंक्लाइन। फोर्स लगा देंगे तो सिचुएशन अलग अलग फिर हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू कितना है, ज़्यादा है या कम है। अगर एफ का वैल्यू 1 N रहेगा, कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट करते हैं तो एक मोमेंटम से उसको फेंकते हैं चीज़ों को, जैसे ऊपर में खुद से ऊपर जाएगा, बट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपने एक एम जी से बहुत ज़्यादा एक कोई फोर्स लगाकर आपने चीज़ों को ऊपर फेंका है, ठीक है। अब फेंक कर आप छोड़ दिया है, फिर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। और लास्टली, अभी कोई थ्योरी तो चल नहीं रहा है, जैसा प्रॉब्लम रहेगा वैसा सोचना पड़ेगा। ये कोई थ्योरी थोड़ा है, मैंने प्रॉब्लम से ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे एक लाइन बोल दिया, अदरवाइज लगता है कि ये थ्योरी है। दिस काइंड ऑफ व्हाट प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रिक्शन में थ्योरी कहाँ है? फ्रिक्शन में तो एक ही थ्योरी है, एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, और एक एफ के है, और एक एंगल ऑफ रिपोज है, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, बाकी लॉज ऑफ मोशन है।
बट जितना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अब फ्रिक्शन में प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, तो उसके बाद 200% गारंटी है कि आपका मेडिकल का क्वेश्चन बैंक में पेन नहीं रुकेगा मेरी तरफ से, 100% नहीं 200%, क्योंकि मुझे भी मेडिकल का लेवल पता है कहाँ तक वो लोग पूछ सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस इस उसके बाद स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? स्पीड बहुत भयानक चाहिए। इवन बोर्ड पे प्रॉब्लम जब मैं जिस टाइम ख़त्म करता हूँ तो उस टाइम मैं जेई मेन से ऊपर का चीज़ों को ख़त्म करता हूँ, और केमिस्ट्री भी तो एडवांस तक चला जाता हूँ, ठीक है? तो वहाँ तक भी अगर आप सही से कर लीजिएगा ऑब्जर्व और कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो जेई मेन का आपका प्रिपरेशन साथ साथ चल रहा है। हाँ, चीज़ें को आप भूलना स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़िएगा सिलेबस आगे जाएगा तो पीछे की चीज़ें भूलेंगे, तो उसी के लिए तो टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है ताकि चीज़ों को पुल कर सकें, राइट? मतलब बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा भाई, तब जाकर एक सीट मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, हाउ मच टाइम टेकन बाय ब्लॉक व्हेन कमिंग फ्रॉम ए टू बी, सही सही बोलना है, और ए बी का मैं वैल्यू दे देता हूँ 20 मीटर। क्या बोले? अच्छा, उस पे आते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि थीटा आर ही हो जाता तो क्या होता, एग्री? एकदम कॉन्सेप्चुअल बात बोल देता हूँ, थीटा आर रहता अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहता, रुका हुआ रहता एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, एफ एस मैक्स लगते रहता, राइट? यू अगर जीरो रहता तो क्या होता, रुका हुआ रहता। लेकिन सर, अगर 10 मीटर पर सेकेंड और आप बताइए थीटा आर ही रहता तो क्या करते, करेक्ट? तो थियोरेटिकल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तो उस केस में म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है, एकदम प्रैक्टिकल मीनिंग। तो जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ के लगेगा, और तब यहाँ पे लिखते हैं म्यूके इंटू एन। तो ये जो म्यूके इंटू एन रहेगा वो एम जी साइन थीटा आर से थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। बट सर, क्वेश्चन में म्यूके और म्यूएस नहीं दिया रहेगा तो बोलिए, राइट? तो म्यूके और म्यूएस नहीं दिया रहेगा तो मुझे म्यू ही लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए लिखते हैं, लिखेंगे, और ए का वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड से आते रहेगा, हाँ या ना? डैम से रे वैल्यू जीरो हो जाएगा, डैम से रे वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट? तो सारा बात अगर मुझसे ही पूछ लीजिएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन में आने दीजिए, समझ में आ गया? तो जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आएगा या नहीं आएगा। तो थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलते ही नहीं है। तो थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है तो रुका हुआ रहेगा या आएगा? तो क्या इनफाइनाइट टाइम होगा संस्कार कुल कर रही? अब स्लाइड कर जाएगा ना खुद से, करेक्ट? व्हेन थीटा ग्रेटर, व्हेन थीटा लेस देन थीटा आर, तो खुद से स्लाइड,
नहीं करेगा, बट थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है, इसका मतलब एफ एस मैक्स क्रॉस कर चुका है, तब यहाँ पे खुद से स्लाइड करेगा विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, करेक्ट। तब उस केस में आपको यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जी साइन 60 माइनस म्यू जी कॉस 60, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा भाई, एफ के, यहाँ पे क्या लगेगा एम जी, इधर क्या लगेगा एन, सारे फोर्स कंपोनेंट को मैंने डाउन अलोंग द इंक्लाइन, आई वैल्यू डैम से पॉजिटिव आएगा, जी का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, रूट 3/2 और माइनस हाफ इंटू वाट हाफ, तो हो जाएगा 5/10/4 2√3 − 1, ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और तब हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो आपको पूछा गया हाउ मच टाइम टेकन, इस केस में ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, मतलब मुझे एक ही क्वेश्चन दिया बोला गया है कि एक ही क्वेश्चन सेट करना है जिसमें एन और मेडिकल का सेट करना है, एनएलएम और एस्टर मोशन दोनों इन्वॉल्व कर देना है, तो उसमें एक क्वेश्चन लेना पसंद करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टाइम क्या कितना होगा, कितना लगेगा, या यहाँ पे आएगा तो वी एक्स क्या होगा, करेक्ट है ना, तो दोनों क्वेश्चन तो बना सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू ई एक्स टी और प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो क्या हो जाएगा जीरो, हाफ ए का वैल्यू 10/4 2√3 − 1 टी स्क्वायर, और डेल्टा एक्स तो पता है ना यहाँ पे दे दिया हूँ अभी, करेक्ट, तो क्या यहाँ से टी को फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। और अगर वी एक्स पूछा जाता कि बी पे वी एक्स क्या रहेगा, तो वी एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू वाट, यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या यहाँ से वी एक्स भी निकल जाएगा भाई, दो वैल्यू प्लस माइनस, हम लोग प्लस लेंगे क्योंकि ब्लॉक मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, चलिए। हो गया ना, इसको हटाया जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट हटाया जाए इसे, कमिंग टेस्ट में आपका बायो में क्या है और जूलॉजी में, ओके ओके, बिल्कुल बैलेंस पेपर है, इस बार बायो में स्कोर करना है 90 में कम से 80, तो 320 तो बायो में ही आना चाहिए, नहीं समझे, और केमिस्ट्री में क्या है, तो आप लोग सब नमक जगह तो मास्टर हो गए हैं, बोलिए हाँ पढ़ाया हुआ है तो मास्टर तो हो गए, और स्ट्रक्चर आइसो में जो मैं आपको नहीं पढ़ाए हैं तो वहाँ से तो हो जाएगा, तो 45 में से मेडिकल में कम से कम तो 30 केमिस्ट्री में, ये मैं टारगेट दे रहा हूँ किसी भी तरीके से, सर एग्ज़ाम ही नहीं देने आएंगे, ये बच के निकल जाना है, वो मत कीजिएगा, बहुत होप है भाई पेरेंट्स का, ठीक है, एग्ज़ाम सीरियसली दीजिएगा, और आपको भी टाइम बता देंगे, दो दो स्लॉट रहेगा जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पेरेंट्स को भाई मैं बहुत मोटिवेट करके कैटलिस्ट में बुलाया हूँ कि मैं अच्छा से पढ़ाऊँगा, बच्चे की तैयारी करवाऊँगा, तो कम से कम मेरा तो इज्जत रख लीजिए, तो उसके लिए मेरे लिए कम से मेहनत कीजिए, ये सोचिए कि आपका आपका रिजल्ट पे मेरा करियर डिपेंड करता है गुवाहाटी में,
इसलिए मैं अगर अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अब अगला 20 ईयर्स तक पढ़ाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। यह थोड़ा इमोशनल अत्याचार कर रहा हूँ आप लोग पे, बट यही मान लीजिए। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्सेप्ट की तरफ जा रहा है। आपका एग्ज़ाम मई लास्ट में होगा अगला साल, बहुत टाइम है। अभी तक अगर नहीं भी जागे हैं तो आज से भी अगर आप लोग अलर्ट हो जाएं, जैसे इनको भी ये बात मैं बोला उस दिन, तब भी बहुत टाइम होता है। सही से काम करने के लिए एक साल काफ़ी होता है, किसी का लाइफ चेंज होने के लिए एक साल काफ़ी होता है, अगर आप मान खुद से अगर प्रॉमिस कर ले तो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, हर बैच में ये बात बोलता हूँ। जिसके अंदर अंदर जुनून आ गया, पागलपन आ गया, नहीं मुझे करना ही है, एक रिजल्ट दे देना है, तो एक साल मच मोर टाइम होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका पढ़ाने वाला टीचर मेंटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना पड़ेगा, मतलब उसको भी उस लेवल का नॉलेज होना पड़ेगा, तब होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब जो टीचर ये एचसी ब्राउन उठाने का कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, तब तो नहीं होगा। टीचर एचसी ब्राउन या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने से जो इंडिया लेवल में चलता है, तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए स्टूडेंट, ड्रॉ द ग्राफ एक्स वर्सेस टी। Thank you.
जब परफेक्ट सॉल्व करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स। और एनीवन? आप डिजर्व करते हैं 4 मार्क्स, थोड़ा सा ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए। आप एक्सिस उल्टा कर दिए हैं, ऐसा सही लग रहा है। एक परसेंट टिक कीजिए, एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा आपका, एफर्ट लगाइए। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? बट फोर्स तो वेरिएबल है, तो कब तक स्लाइड नहीं करेगा वो निकाल लेंगे। एफ एस मैक्स तक स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स टी इक्वल टू जीरो से ना, तो टी इक्वल टू जीरो पे फोर्स आपने कितना न्यूटन का लगाया है, 0 न्यूटन का, फिर कुछ और बढ़ा रहे होंगे, तो अचानक से स्लाइड करना स्टार्ट होगा या रुका हुआ रहेगा, कौन रोक के रखेगा? एडजस्टिंग फोर्स एफ एस, राइट? आप सोच सही रहते हैं लेकिन ग्राफ के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ कर दिए। अभी सही है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक पहले करवा चुका हूँ, और उस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, फाइंड द टाइम अप टू विच ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट। हाँ ना, कुछ बोलिए, ऐसा क्वेश्चन लिए हैं तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है ना। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक एक्सेलरेशन 0, एग्री? और कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक एफ एस मैक्स को क्रॉस नहीं करेगा एक्सटर्नल फोर्स, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? बोलते ही नहीं है भाई, कुछ तो बोला कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन को, 2 पार्ट में निकालते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग लेते हैं द टाइम अप टू विच ब्लॉक इज इन रेस्ट, फर्स्ट पार्ट, द टाइम अप टू विच ब्लॉक इज इन रेस्ट। क्योंकि अचानक से ब्लॉक चलना स्टार्ट हुआ क्या, आप फोर्स को वेरी कर रहे हैं, राइट? और फोर्स का ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 न्यूटन, इज इट राइट? तो क्या यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ एस लिखेंगे? अब ब्लॉक मूव नहीं करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम आएगा वही ब्लॉक को मूव करने के लिए मिनिमम टाइम कहलाएगा, करेक्ट है? तो एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स, और एफ एस का वैल्यू एफ पुट कर दें, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स, और एफ का वैल्यू कितना है भाई, 2t, शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स कितना है, म्यू इनटू एन, और एन का वैल्यू कितना बराबर, एम जी के बराबर, तो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई 2। तो दिस इज द मैक्सिमम टाइम फॉर नॉट स्लाइडिंग, दिस द मैक्सिमम टाइम फॉर व्हाट, नॉट मूविंग, नॉट स्लाइडिंग, करेक्ट? तो यहां से टी का वैल्यू कितना आया, टी मैक्स, एंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम ना फॉर व्हाट, स्लाइडिंग या नॉट स्लाइडिंग, ये आ जाएगा कितना, हाउ मच स्टूडेंट, 0.5, एम का वैल्यू कितना था, 4 × 10 अबाई व्हाट, 2, कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। इसका मतलब है कि दिस द मैक्सिमम टाइम जब तक कि ब्लॉक रुका रहेगा, इसका मतलब है 1x का वैल्यू क्या रहेगा,
जीरो रहेगा, ब्लॉक मूव भी नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा भाई? जीरो, क्योंकि स्टार्ट आपको इनिशियल वेलोसिटी तो दिए नहीं है, करेक्ट? धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ तक नहीं मूव करेगा। तब इसी क्वेश्चन अगर पूछते व्हाट द मिनिमम टाइम एट फॉर आफ्टर विच ब्लॉक विल गेट या विल स्टार्ट मूविंग, तो जो मैक्सिमम टाइम है नहीं मूव करने के लिए वही उस टाइम पे क्या रहेगा, 10 सेकेंड पे कौन सा सिचुएशन रहा होगा फिसलने फिसलने को, राइट? एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अभी मैं आपको क्वेश्चन देखकर 12th का जेई मेन का रिजल्ट देखने गया था, अब थोड़ा सा प्रेशर बनाए तो जो पिछले टेस्ट में नीचे से टॉप किए थे वो इस टेस्ट में ऊपर से टॉप कर गए, ये होता थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना, जो नीचे से पीछे से नीचे से टॉप कर रहे थे ना, थोड़ा सा प्रेशर बनाए, पढ़ना स्टार्ट किए, रिवीजन करके आए, ऊपर से सेकंड या फर्स्ट आए हैं, इसलिए आपके अंदर टैलेंट है, बस रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए पढ़ाया हो चीज़ को, नहीं तो आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ सही है गलत है। चलिए अब हम लोग इसके लिए काम करते हैं स्टूडेंट, करेक्ट है ना? तो इस टाइम पे ब्लॉक तो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, तो यहां पे कौन सा फोर्स लगाएंगे अब, एफ एस या एफ के स्लाइड कर रहा है ना, अब एम जी एन, और सारे फोर्स को, इसका मतलब अब एफ का वैल्यू एफ एस मैक्स को क्रॉस कर गया तो स्लाइड कर रहा था, आप एफ के सोचेंगे, और अगर म्यू एस और म्यू के डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया हुआ तो दोनों के लिए म्यू ही यूज करेंगे, ठीक है? तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, करेक्ट? देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टी माइनस म्यू एन बाई फोर, टू टी माइनस म्यू का वैल्यू 0.5 40 बाई फोर कितना हो जाएगा भाई? सर सही है, कैलकुलेट करने के बाद सही है ना? कैसा इक्वेशन, यहां तक आप लोग नोट कर लिए हैं, हो गया है तय हो गया, इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, नहीं दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, स्लोप कितना हाफ, स्लोप कितना है हाफ है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए, तो आपसे पूछा गया है, इसमें कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही ड्रॉ किए हैं, मैं नहीं बोलूँगा, एक्स वर्सेस टी 10 सेकेंड तक ग्राफ ए रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो, आया ना, 10 सेकेंड तक ब्लॉक एक्सेलरेशन, ये भी तो मेरा ग्राफ का पार्ट है, और उसके बाद आप में से कुछ ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किए होंगे, करेक्ट है? बट ये वाला सिर्फ पार्ट रहेगा ना भाई, एक्स निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आपका करेक्ट ग्राफ ये रहा, समझे? इसको आपने ड्रॉ करने के टाइम पर ऐसा किया था, बट ये ग्राफ नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू एम इक्वल टू व्हाट, हाफ रहेगा। तो एक क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है नीट, नीट का तो पक्का डिजर्व करता है, टफ क्वेश्चन नहीं था, इवन जेई मेन का क्वेश्चन हो सकता है, तो अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, अभी ऐसा 2-4 बार लूँगा, डोंट वरी, सेकेंड टाइम ले चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो आप समझे कि आपका भी सही था, लेकिन ए हुआ परफेक्ट, कहाँ तक रुका रहेगा, और किस टाइम के बाद चलना स्टार्ट करेगा, जब तक चलेगा ही नहीं तब तक एक्सेलरेशन कैसे होगा, मूव तो करना पड़ेगा, राइट? इसको हटाया जाए, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
चलिए भाई, एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो न्यूट्रल। ड्रॉ द ग्राफ टी वर्सेज एक्सटर्नल फोर्स, टी वर्सेज एफ का ग्राफ ड्रॉ करना है। वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ग्राफ ड्रॉ करके सब लोग रखेंगे कॉपी में। बिना इक्वेशन का तो ग्राफ नहीं आएगा, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हो गया, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले, ग्राफ नहीं ड्रॉ करवाए हूँ, लेकिन टेंशन तो निकालने के लिए दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा मैं एग्जांपल ले चुका हूँ, करेक्ट है ना।
दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे यहाँ पे f इक्वल टू एफ एस मैक्स रहेगा। अब देखिए इस स्ट्रिंग में टेंशन कब होगा, जब स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी आएगा, करेक्ट। और स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग टेंडेंसी कब आएगा, जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, बोलिए। हाँ, अब ब्लॉक मूव कब करना स्टार्ट होगा, जब ब्लॉक का सरफेस सपोर्ट करना हेल्प करना छोड़ देगा। और सरफेस कब तक सपोर्ट करेगा, एफ एस मैक्स तक। तो एफ एस मैक्स तक इसका ये मूवमेंट लेगा क्या, नहीं लेगा। तो एफ एस मैक्स तक इसको इसमें स्ट्रेचिंग आ पाएगा, नहीं आएगा। समझे बात, इसका मतलब वेव एक्सटर्नल का वैल्यू जब तक एफ एस मैक्स के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होगा, तब तक इसमें टेंशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये इसमें की पॉइंट था। कौन कौन लोग इस बात को सोच पाए, ग्राफ एग्जैक्टली ये होगा, ग्राफ यहाँ पे एग्जैक्टली ये रहेगा, ठीक है ना। मैं सॉल्व करूँ, इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम समझ गए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी दो पार्ट में, तो इसमें सबसे पहले सबसे मार्केबल पॉइंट ये था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ओनली व्हेन देयर इज अ स्ट्रेचिंग टेंडेंसी, और स्ट्रेचिंग टेंडेंसी तब होगा व्हेन ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, एंड जो भी बोल रहे हैं सॉल्यूशन में लिख लिया जाएगा। और ब्लॉक स्टार्ट मूविंग कब करेगा, जब एफ एस मैक्स को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब है कि एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, इस सिचुएशन तक एफ एस का वैल्यू अगर एफ एस मैक्स से बराबर या उससे कम रहेगा, तब तक यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा भाई, जीरो रहेगा, करेक्ट है ना। तो इस सिचुएशन के लिए समझ रहे हैं मेरे बात को। और अगर एफ एस, अब नेक्स्ट इसका मतलब हम लोग एक काम करेंगे ना, कि जब तक इस सिचुएशन के इस कंडीशन में है, तब तक आप जब इसे फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं एफ, और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं एफ एस, और एफ इक्वल क्या है एफ एस, बट यहाँ पे टेंशन दिखाने का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे टेंशन, क्योंकि टेंशन लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मूवमेंट करना स्टार्ट ही नहीं किया, करेक्ट। देखते हैं कोई चीज़ से अगर बंधा हुआ है, जब तक वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, तब तक उसमें स्ट्रेचिंग नहीं आएगा, है ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ, लेकिन बंधा हुआ नहीं फील करेगा, करेक्ट है ना। तो इस केस में एफ इक्वल टू एफ एस, बट देर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, करेक्ट। लेकिन लेकिन ये सिचुएशन कहाँ तक जाएगा, एफ एस रिलेशन इक्वल एफ एस मैक्स, और यहाँ से बोल सकते हैं एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, क्योंकि एफ और एफ एस इक्वल है। इसका मतलब है कि एफ का वैल्यू एफ एक्स मैक्स के बराबर या उससे जीरो से बड़ा मैग्नीट्यूड बाई या उसके बराबर है, तब तक टेंशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही एफ का वैल्यू एफ एस मैक्स को क्रॉस कर जाएगा, तो अगर यह स्ट्रिंग नहीं रहता तो चलना स्टार्ट करता, बट ड्यू टू अ स्ट्रिंग अब इसको स्ट्रिंग भी रोकना स्टार्ट करेगा, राइट। तो मूव नहीं करेगा, तो मूव नहीं करेगा तो एफ के नहीं सोचेंगे, बट एफ एस मैक्स को तो क्रॉस कर गया है, करेक्ट। ये मूव करना चाह रहा है क्योंकि एफ का वैल्यू एफ एस मैक्स से बड़ा कर दिया आपने, लेकिन अब एक्स्ट्रा कौन सपोर्ट में आ गया है, स्ट्रिंग। तो ये इसका पहले सपोर्ट में सरफेस आएगा या पहले स्ट्रिंग आएगा, पहले सरफेस आएगा, बाद में कौन आएगा, स्ट्रिंग कब आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू एफ एस मैक्स के बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने का तरीका क्या रहेगा, एफ यहाँ पे क्या एफ एस मैक्स, और एफ एक्स मैक्स से ज़्यादा जितना बड़ा फोर्स लगेगा उतना आप टेंशन इसमें लगेगा, करेक्ट है। एम जी और एन,
तो अब सारे वैल्यू को यहाँ पे एफ माइनस टी, अब माइनस व्हाट एफ एस मैक्स अभी भी इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ माइनस एफ एस मैक्स। तो यहाँ पे टी का इक्वेशन क्या बना, लेकिन किस कंडीशन के लिए, इसके लिए ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू किससे बढ़ा एफ एस मैक्स से, तो टी इक्वल टू हो गया एफ माइनस एफ एस मैक्स। यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे कौन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, बोलिए वो कांस्टेंट है ना, एफ एस मैक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा ना, तो इंटरसेप्ट का काम करेगा राइट। वेरिएबल तो यहाँ पे एफ और टी है, वेरिएबल कौन है एफ और टी, तो टी वर्सेस एफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टेंशन जीरो रहेगा, कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आएगा, बट एफ का वैल्यू जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को क्रॉस करेगा तो वहाँ से टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना, वन ना, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू वन, एम इक्वल टू वन, देन थीटा इक्वल टू व्हाट, एग्जैक्टली एक ग्राफ करेक्ट रहेगा। तो ये भी आएगा नीट के, नीट का लेवल का ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन नीट का लेवल का है ठीक है। अब तो हो जाएगा, लिख सकते हैं म्यू टू, लिख जब म्यू के बारे में कैटेगराइज नहीं किया हो तो आपकी मर्जी है, दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार मैं रिपीटेडली इसी बात को बोल रहा हूँ ठीक है। चलिए इसको हटाएं, सॉल्यूशन सब देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोगों को सॉल्यूशन तो समझ में आ गया ना, सॉल्यूशन सेटिस्फाई है, इसको हटाया जाए, बोलते ही नहीं भाई, बड़ा समस्या है। उन्नीस लोग ज्वाइन किए हुए हैं, 19। चलिए इन नीट वाले बच्चे ए ऑप्शनल में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है। यहाँ पे एफ एस मैक्स कितना हो सकता है वो दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही, एफ एस मैक्स देने का मतलब ये नहीं कि एफ एस मैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, एफ एस मैक्स वैल्यू तो एफ एस मैक्स निकाल सकते हैं ना, कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एफ एस
जीरो, बट एफ एस मैक्स तो बता सकते हैं। एफ एस मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ सरफेस इसको रोकने का, राइट। यहां लिखिए, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यही क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, एंड ऑल्सो फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक। यह है प्रॉब्लम ऑफ द डे। जो भी करेक्टली विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर देंगे उनको मैं 15 मार्क्स दूंगा कमिंग टेस्ट में। सोलह मार्क्स, एक मार्क्स ज़्यादा, चार क्वेश्चन का मार्क्स एक बार। अब क्वेश्चन में दे दिया फिर मुझसे ही सोल्यूशन कर लीजिए तो मार्क्स कैसे मिलेगा भाई? क्वेश्चन इतना ही है, म्यू नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया गया है। म्यू का रिक्वायरमेंट आपको तब होता ना जब एफ एस मैक्स नहीं दिया रहता। एफ एस मैक्स तो खुद ही मैं दे दिया हूँ, एक इस ब्लॉक के लिए, एक इस ब्लॉक के लिए। अब जो भी रहेगा नहीं पता है आपको, उससे क्या इंटरेस्ट है, क्वेश्चन यही है। एग्जाम में मान लेते एक क्वेश्चन आ गया निहार, क्या बोलेगा? म्यू दीजिए, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। अब इसी क्वेश्चन में आपको माथा मारना है, क्या बोले? देखिए भाई, सिस्टम रेस्ट में है या नहीं है ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन इतना ही है जितना मैंने दे दिया, बाकी सारा कुछ एक ही क्वेश्चन बनाने से 16 मार्क्स देने के लिए बोल रहा हूं। इसके लिए मैं प्रॉपर आपको 5 मिनट्स या उससे ज्यादा टाइम भी दे सकता हूं। सॉल्व कीजिए, कुछ ट्राई कीजिए।
एक क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस का ऑब्जेक्टिव को डिजर्व करता है, सर इसको चैलेंज लेके बनाइए ना, किसी क्वेश्चन को एकदम चैलेंज लेते हैं, बनाना ही बनेगा ही। Thank you.
किसी का? ऑनलाइन स्टूडेंट एनीवन जिनका आंसर आ गया है जीरो भी नहीं। ट्वेंटी भी नहीं है आंसर। 120। ये सच में एडवांस टाइप का क्वेश्चन था, नहीं बना है, कोई बात नहीं है। फोर्टी किन का आंसर आया है, नाम बताइए। क्या नाम है? अच्छा मिठू पटवारी। हाँ करेक्ट आंसर है 40 न्यूटन। करेक्ट आंसर है, लेकिन अभी मैं आपका एक्सप्लेनेशन नहीं जान रहा हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट, आप लोग एफर्ट लगा लिए, कुछ तो एफर्ट लगाए होंगे, इफ एंड बट राइट। सबसे पहले अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि सर इसमें रेस्ट में है मोशन में, मैंने बोला कि कंप्लीट यही क्वेश्चन है, नहीं पता है। पहले ए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, पहले ए डिसाइड कर लेते हैं सिस्टम मोशन में है या नहीं है। पहले ए डिसाइड कर लेते हैं कि सिस्टम मोशन में है या नहीं है। एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको पूरा सिस्टम मान लेते हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी और स्ट्रिंग सिस्टम मान लेते हैं। तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 120। यहां देखिए, अब आपका टाइम खत्म, मैंने अब प्लस स्ट्रिंग इसको सिस्टम मान लिया, और सपोज कर रहे हैं कि लेट अस सपोज सिस्टम मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट में जैसे ही हम लोग लगा रहे हैं 120 न्यूटन, और उधर कितना लग रहा है 100, तो इसको सपोर्ट में कौन आएगा? फ्रिक्शन है ना। इसका मतलब है कि आप सिस्टम पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट की तरफ आप मूवमेंट के लिए सोचे, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है 120 न्यूटन, और एक फोर्स क्या लग रहा है 100 न्यूटन। तो 20 न्यूटन तो ज़्यादा है, बट सरफेस की तरफ से मैक्सिमम कितना सपोर्ट मिल सकता है? 150 न्यूटन का है ना। इधर मूव करने के लिए आप सोच रहे हैं कि इधर जाना है, तो सरफेस क्या सपोर्ट करेगा इधर जाने के लिए, अपोज करेगा? अब मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है? मैक्सिमम दोनों ना, मैक्सिमम कितना मिलकर, इसका मतलब 150 न्यूटन प्लस 100 250 न्यूटन। 250 न्यूटन से ज़्यादा अगर फोर्स इस तरफ रहता लाइक 300 न्यूटन, तब यह सिस्टम टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, दराज मूव करेगा? खुद ही बोलिए भाई, हाँ या ना में, नहीं करेगा। करेक्ट, इसका मतलब क्या टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं जाएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि जाएगा तो अकेले जाएगा या साथ साथ जाएगा? साथ साथ जाएगा। अगर टुवर्ड्स राइट सोचते हैं तो सर, टुवर्ड्स राइट सोचते हैं तो टुवर्ड्स राइट में तो 100 न्यूटन लग रहा है, और इस तरफ ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। बट अगर राइट की तरफ जाने का टेंडेंसी के लिए, जब अगर राइट टुवर्ड्स राइट अगर जाता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगता अपोज करने के लिए? लेफ्ट। और लेफ्ट में मैक्सिमम कितना लग सकता है, सरफेस कितना सपोर्ट करता? 150 प्लस 120 कितना? 270। इसको इस तरफ का फोर्स को 270 से बड़ा होना पड़ेगा अगर पूरे सिस्टम को टुवर्ड्स राइट लेके जाना चाहते हैं, करेक्ट हाँ या ना। इसका तो भारत कंक्लूजन इज दैट कि सिस्टम रेस्ट में रहेगा, ना ही टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा ना ही टुवर्ड्स राइट जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया? सिस्टम मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। पहला तो कंक्लूजन हो गया, क्रॉस चेक कर लिया, लिख लीजिए। इसका तो कंक्लूजन क्या रहा, सिस्टम इज इन रेस्ट। ये बात समझ में आया है आपको? चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अब ए वैल्यू दिया हुआ है, एफ एस मैक्स का वैल्यू। एफ एक्स मैक्स का वैल्यू देने का मतलब क्या, एफ एस मैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा।
तो एक मिनट, मान लेते हैं कि अब मैं यहाँ देखिएगा, मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, इसी को लेकर सोच रहे हैं। सपोज कीजिए कि सिर्फ मैं अब फ्री बॉडी डायग्राम ए का सोच रहे हैं सेपरेटली, तो इस पर तो सर F1 लग रहा है 120 न्यूटन, करेक्ट। और सरफेस का मैक्सिमम कैपेसिटी, तो अगर सिर्फ इसको सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पर कि नहीं ये मूव करना स्टार्ट, मतलब अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि किस, यहाँ देखिएगा अब आपके स्ट्रिंग में टेंशन कब होगा भाई, बोलिए सर, जब स्ट्रेचिंग का टेंडेंसी आएगा। नाउ देयर इज अ कन्फ्यूजन, क्या स्ट्रेचिंग का टेंडेंसी इसके इस ब्लॉक के वजह से हुआ है या बी के वजह से हुआ है, ये मेरा कन्फ्यूजन है, करेक्ट है ना। तो मैंने पहले मान लिया कि लेट अस सपोज इसमें जो टेंशन क्रिएट हुआ दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है पूरा सिस्टम नहीं जाएगा बट हो सकता है इंडिविजुअली जाना स्टार्ट किया होगा। तो मान लेते हैं कि टेंशन क्रिएटेड स्ट्रिंग में, स्ट्रेचिंग टेंडेंसी क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ए, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हाट ए, ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर इसका इसका मूवमेंट, इसका अगर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लेकिन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब एफ एस मैक्स पे आएगा। तो मैंने इसमें मान लिया कि इसका एफ एस मैक्स, करेक्ट, मतलब इस ए एफएस अपना एफ एस मैक्स को रीच कर गया, ये पहला सिचुएशन मेरा है। अब तब इसका सपोर्ट में कौन आएगा, टी कौन आएगा, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना 30 ना, इस केस में टी का वैल्यू कितना रहेगा 30, और सेम स्ट्रिंग है तो हर जगह पर 30 रहेगा। तो मैंने इस केस में क्या बना, इस केस को आप लोग लिख लीजिएगा, वी सपोज दैट ए रीचेज एफ एस मैक्स, वी सपोज दैट व्हाट ए रीचेज एफ एस मैक्स, दोनों को नहीं बोल रहा हूँ अब मैं वन बाई वन, ए रीचेज एफ एस मैक्स, तो ए को एक पे अगर एफ एस मैक्स ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया तो टेंशन का वैल्यू कितना आया 30 न्यूटन, आप में से किसी का वैल्यू आया भी था 30 न्यूटन, राइट। लेकिन इसको श्योर होने से पहले हम लोग इस पर चेक कर लेंगे, तो ए पे एफ एस मैक्स सोचते हुए बी का फ्री बॉय डायग्राम बनाते हैं, तो बी पे कितना फोर्स 100 न्यूटन, और टेंशन का वैल्यू कितना, अरे मूव नहीं कर रहा है ये, क्या नहीं कर रहा है, तो जब तक मूव नहीं करेगा तब तक तो एफ एस लगेगा, क्या लगेगा, तो यहाँ से राइट वर्ड फोर्स इक्वल लेफ्ट वर्ड फोर्स, राइट वर्ड फोर्स इक्वल वर्ड, तो क्या यहां से एफ एस का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 70 न्यूटन, राइट, कितना न्यूटन, बट ए एफ एस का वैल्यू क्या एफ एस मैक्स से ज्यादा हो सकता है, इज इट पॉसिबल एफ एस ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ये पॉसिबल है। अब बी का एफ एस मैक्स कितना न्यूटन था 60 न्यूटन, और जो मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग बी में एफ एस कितना आ गया 70, ये लॉजिकल बात है, एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये सॉल्यूशन सही। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन क्रिएट जो हम लोग सोचे थे कि एक के वजह से हुआ है, वो मेरा सोचना सही हुआ या गलत हो गया, गलत हो गया, करेक्ट है। फिर से दोबारा सोचना स्टार्ट करेंगे बी पे, राइट, पहले मैंने क्या सोचा कि ए अपना एफ एस मैक्स रीच कर गया है उसके वजह से इसमें स्ट्रेचिंग हुआ है, ऐसा सोचे हम लोग, तो इस ये मेरा सोचना गलत हो गया, इन सॉल्यूशन का तरीका इसमें यही था, बिल्कुल एक क्वेश्चन लिंक से हट कर था, ठीक है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये मेरा खत्म टेंशन, इसका मतलब टेंशन का वैल्यू 30 न्यूटन नहीं रहेगा, तो सर अगर एफ एस का वैल्यू 15 न्यूटन आता तो एक्सेप्ट कर लेते, तब क्या करते, एक्सेप्टेबल था, करेक्ट है ना। अब हम लोग सोचते हैं कि लेट अस सपोज स्ट्रेचिंग या टेंशन क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग ड्यू टू बी, तो ड्यू टू बी अगर इसमें स्ट्रेचिंग होगा इसका मतलब बी मूव करना स्टार्ट किया होगा, स्टार्ट मूव नहीं कर रहा है बट ये अपना एफ एस मैक्स को रीच कर गया होगा, तभी इसके वजह से इसमें इस स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग किसके वजह से होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, जो अपना एफ एस मैक्स को पहले रीच करेगा, राइट। तो मैंने सोच लिया कि ए पहले रीच कर गया, करने का चांस था क्योंकि 120 लगा रहे हैं, राइट। अब बी में अगर हम लोग सोचते हैं कि ए एफ टू का वैल्यू 100 न्यूटन है, और इसमें सोच लेते हैं कि एफ एस मैक्स, करेक्ट, ये अपना रिच कर गया है, इसका एफ एस मैक्स कितना न्यूटन है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी भी अरेस्ट में है, तो टेंशन का वैल्यू कितना
40 न्यूटन, राइट। टेंशन का बल कितना है 40 न्यूटन। अब ए इसके अकॉर्डिंग ए का सोचिए, तो इसमें टेंशन कितना है भाई 40 न्यूटन, और ए कितना 120 न्यूटन, और इसको सपो ए मूव नहीं कर रहा है तो बाकी कौन लग रहा होगा एफ एस, और एफ एस का वैल्यू यहाँ से कितना आया 80 न्यूटन, और इसका जो बी का जो एफ एस आया वो मोर देन एफ एस मैक्स है या लेस देन एफ एस मैक्स है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है, करेक्ट। हाँ है ना, इसका मतलब है कि ए सही है। टेंशन का वैल्यू कितना रहेगा 40 न्यूटन। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। सर इतना तो नहीं सोच पाते, तो इसलिए पहले ही इसको दिए थे कि एडवांस का लेवल का ऑब्जेक्टिव है। तो आज का है हुआ प्रॉब्लम ऑफ द डे, ठीक है ना, तो घर पे जाकर दोबारा एक बार बनाइएगा। हो सकता है भाई यहाँ का सरफेस कुछ और रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का सरफेस प्लान एस वन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का सरफेस प्लान एस टू रहा होगा, ऐसा तो हो सकता है ना कि एक तरफ का सरफेस थोड़ा रफ रहा होगा और एक तरफ का थोड़ा ज़्यादा रफ रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें अभी हम लोग नहीं घुसेंगे कि हाँ कहाँ क्यों ऐसा हो गया। हम लोग का था कि ऐसा दे दिया गया आप सॉल्व करना है, ऐसा दे दिया गया और सॉल्व करना है, करेक्ट है, समझे। तो अब आंसर बताइए, टेंशन का वैल्यू 30 न्यूटन या 40 न्यूटन, और ये टेंशन किसके वजह से क्रिएट हुआ है, बी के वजह से, और ए में एफ एस का वैल्यू 80 न्यूटन, अब बी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम 60 न्यूटन, नहीं। तो क्या दोनों ब्लॉक अपना एफ एस मैक्स को रिच किया है, नहीं किया है, कौन सा ब्लॉक रिच किया है बी, और ये अपना एफ एस मैक्स को रिच नहीं किया है। तो ये बढ़िया, ये मुझे बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम में जब देखा था तो फर्स्ट टाइम मुझे भी टाइम लगा था भाई, और मैं अपने टाइम पर नहीं देखा था, पढ़ाते हुए देखा रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियली इस पर मुझे भी टाइम देना पड़ा था, सोचना पड़ा कि इसका दो वैल्यू हो सकता था, इस तरीके से मैं सॉल्यूशन किया हूँ, ठीक है ना। और इसमें रेस्ट में है या मोशन में है ये सब कुछ हम लोग पे ही छोड़ दिया गया था, क्वेश्चन यही था। तो इसमें दो, इसमें 8 मार्क्स आ सकता है एक क्वेश्चन दिया जाता, और जो क्वेश्चन जितना शॉर्ट में दिया रहा है तो सोचे कि खुद से ज़्यादा सोचना है, इन्फॉर्मेशन कम दिए हैं, राइट, सब कुछ आप ही को सोचना था। इसको हटाया जाए, चलिए नहीं रहता कि फर्स्ट टाइम किसी का 30 न्यूटन आ जाएगा तो वो भी आंसर, और एक आंसर 30 न्यूटन भी रहेगा ऑप्शन में, राइट। फिर एफ एस भी निकालना रहेगा दोनों पे। बट ये नीट में नहीं आएगा स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, टू ब्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट जो फ्रिक्शन का क्लास लेंगे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा टू ब्लॉक सिस्टम। अभी तक हम लोग कितना ब्लॉक सिस्टम ले रहे थे, नेक्स्ट क्लास में एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक, राइट। अब ब्लॉक के बीच में भी रफनेस रहेगा, ठीक है, उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन।